good strike from Molinari. Cummins just dropping it slightly short. Tremendous again from Molinari. अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले एक बात कहूँगा कि आप मुझे साहब ना कहा करें, शर्मिंदगी होती है। वो तो मैं एहतरामन कहता हूँ। अगर एहतरामन कहते हैं तो फिर मुझे आपको भाई साहब कहना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये तो आपका बड़ापन है यासिर साहब। फिर साहब। अच्छा अच्छा यासिर, अब ठीक है। अच्छा बताइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे फ़ोन पे नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे सब खैरियत तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप मुझसे कल किसी वक्त मिल सकते हैं? हाँ हाँ ज़रूर, आप बताएं कब मिलना है। जब आपको आसानी हो। तो कल शाम को ठीक रहेगा? जी बेहतर, फिर कल मुलाकात होती है। जी जी बिल्कुल, खुदा हाफिज़। बस काफी। उम्मीद कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी क्या? भाई उसे अभी भूख नहीं है। उसे कहो आके सबके साथ बैठ के खाना खाए। भाई वो बाद में खाना खा लेगी। मैंने कहा ना ज़ेना, उसे कहो कि आके बैठे खाना खाए। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ बैठकर खाना ना खाए। क्या बात, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या हुआ बताओ, उम्मीद कहाँ है? हाँ छुपाया है, सच्चाई मालूम होगी ना आपको तो बहुत बुरा लगेगा। सच्चाई? नहीं, क्या पहेलियां बुझवा रही हो, साफ साफ बताओ बात क्या है। चोरी की है आपकी लाडली ने। उम्मीद कभी भी चोरी नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही ख्याल आपकी बहन का भी था कि उम्मीद ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मैंने सबके सामने तलाशी ली तो चोरी पकड़ी गई उसकी। अच्छा, वो कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ। उसके बैग से बहुत सारी चॉकलेट्स निकली हैं और वो भी महंगी वाली। बताएं कहां से आई? अगर पैसे स्कूल जाने के लिए कम पड़ लेते तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये कोई सबूत नहीं है उस पर इल्जाम लगाने के लिए। आपको तो कोई बात गलत लगती ही नहीं है, इसलिए मैंने उसका खाना बंद कर दिया ताकि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत करे ही नहीं। क्या क्या कहा तुमने? तुमने इतनी सी बच्ची को सारे दिन से भूखा रखा हुआ है और तुमने भी उसे चोर समझ लिया। कहाँ है उम्मीद? उम्मीद, उम्मीद बेटा, उम्मीद बेटा। जी मामू। मैंने सारे घर में तुम्हें तलाश कर लिया, तुम यहाँ बैठी हो। आओ बेटा, आओ खाना खाओ। मामू मैंने मामी के पैसे चोरी नहीं किए, मुझे सच में नहीं पता। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम चोर नहीं, लेकिन बेटा वो चॉकलेट्स फिर कहाँ से आए? बताओ ना बेटा, वो चॉकलेट्स किसने दिए थे आपको? अगर मैं आपको सच बता दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा मेरी जान, और आपको तो पता है ना सच बोलना अच्छी बात होती है। चलो शाबाश, बताओ। पहले आप प्रॉमिस करें आप नाराज नहीं होंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। हाँ बोलो बेटा, बताओ। बस कर दो उम्मीद, और सच सच बताओ किसने दिए? चॉकलेट के डब्बे बाबा ने दिए। क्या? ये तो अच्छा हो गया सलीम कि तुम्हारा काम लग गया। मैं ना कहती थी कि वो मनहूस है, मनहूस। देखा तुमने, जैसे ही तुम्हारी जिंदगी से निकली खुशहाली आने लगी। अरे भाई पुरानी बातें छोड़ो, तुम्हारे भाई को नौकरी मिली है, खुशी का मौका है।
अरे दुआ करो कि अल्लाह इसे तरक्की दे। हाँ कैसे, मैं अपने भाई के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। वो तुम्हारी बहन की बेटी ना सुरैया, उसकी तरह मतलब ही नहीं हूँ। अरे जब से गई है ना, पलट के एक बूंद तक नहीं किया, पूछा तक नहीं कि मामू कैसा है। अरे भाई सुरैया बहुत अच्छी बच्ची है, बल्कि कल ही उसका फोन आया था। तुम बाजार गई हुई थी और मुझे फिर याद नहीं रहा तुम्हें बताना। फोन आया था, सब जानती हूँ मैं, झूठे ये मुझे झूठी कहानियां मत सुनाया करो। हमें जरूरत क्या पड़ गई, कैसे मुश्किल वक्त में औकात दिखा दी उसने हमें। क्या बात कर रही हो तुम, कम से कम तुम तो ऐसी बात मत करो, तुम्हारी तो बहुत खिदमत की है उसने। लो अब इन पे भी उसका जादू बोलने लगा। खैर मैंने जो देखा है वो ही बयान कर रहा हूँ। कहीं मेरे लाए हुए तावी सब काम तो नहीं कर रहे? क्या बात है बाबा जी की, कल ही जाती हूँ बाबा जी के पास अपने अमजद के लिए दुआ करवाने। तुम अपने बाप से मिलती रही और मुझे बताया भी नहीं, इतना पराया कर दिया तुमने अपनी माँ को। हाँ बताओ बताओ, कब से छुप छुप के मिल रही हो अपने बाप से? अम्मी मैं बाबा से नहीं मिलती हूँ। बेटा तो फिर ये सब क्या है, तुम कह रही हो कि तुम बाबा से नहीं मिलती हो, तो फिर ये चॉकलेट किसने दी? समझ में नहीं आ रहा कि इसकी किस बात पे एतबार करूं और किस बात पे नहीं। मामू मैं सच बोल रही हूँ, मैं बाबा से नहीं मिलती हूँ, उन्होंने चॉकलेट के डब्बे मेरी फ्रेंड को दिए थे। झूठ बोल रही हो। अम्मी मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, सच सच बताओ, सच सच बताओ, मुझे कब से छुप छुप के अपने बाप से मिल रही हो, बताओ। अम्मी मैं सच बोल रही हूँ। जैनब हाथ उठाना किसी मसले का हल नहीं होता, जब वो कह रही है कि नहीं मिली तो नहीं मिली होगी ना। भाई आपको इसकी बात पे यकीन होगा लेकिन अब मुझे नहीं रहा। बाबा से नहीं मिली हूँ, बाबा ने वो चॉकलेट के डब्बे मेरी फ्रेंड को दिए थे ताकि वो मुझे दे सके। अब अम्मी से कह दें वो नाराज मत होए मुझसे। नहीं बेटा तुम्हारी अम्मी तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती, तुम देख लेना अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हाँ बस तुम उनसे सॉरी कर लेना। हाँ ठीक है चलो आ जाओ बेटे, अब खाना खाओ और मेरे साथ चलो। अम्मी भी दोपहर से भूखी होंगी। अम्मी आए खाना खा लें। मैंने खाना खा लिया। मुझे पता है मेरी प्यारी अम्मी मेरे बगैर खाना नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना मैंने खाना खा लिया। अच्छा चले मुंह खोलें, ये पहला निवाला मेरी प्यारी अम्मी के लिए। नहीं खाना मुझे। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं सच में बाबा से नहीं मिली हूँ। अच्छा ये खा लें प्लीज अम्मी। आपके हाथ पर क्या हुआ है? मैंने अपनी प्यारी सी बच्ची को मारा था ना, तो मुझे तो सजा मिलनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे अम्मी, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको सब सच सच बता देती।
पापा से कभी नहीं मिलोगी? दिल तो बहुत चाहता है शैला, मगर मैं क्या करूं? अम्मी को कितनी तकलीफ हुई कल जब मैंने उनको बताया कि चॉकलेट्स बाबा ने दिए। मैंने उनको बहुत मुश्किल से बनाया, और अगर अब मैं बाबा से मिलूंगी फिर तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। तुम्हारी अम्मी को कौन बता रहा है? ना मैं बताऊंगी ना तुम बताओगी, तो कैसे पता चलेगा तुम्हारी अम्मी को? मगर शैला, मैं अम्मी से अब झूठ नहीं बोल सकती। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जानता हूँ अभी वक्त बाकी है जैनब की इद्दत में, मगर मैं चाहता हूँ कि इद्दत पूरी होते ही हम सादगी से निकाह कर लें। यासिर, यकीन मानो मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कोई गलती हो गई है, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो अब इस बात पे यकीन हो गया है कि खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मुझे तुम्हारे और जैनब के इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जैनब की भी मर्ज़ी मालूम कर लूँ। जी, उनकी मर्ज़ी जानना तो बहुत ज़रूरी है, अगर उनके जवाब में हाँ होगी तो मुझे दिली खुशी होगी। मैं उनके उनके सारे दुख दूर करना चाहता हूँ, उम्मीद को अच्छी तालीम के साथ साथ एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता हूँ। कहीं जैनब मुझे गलत ना समझे। मैं समझाऊंगा उसे, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो भी आपकी बहुत इज्जत करती है। आपके कहने का मतलब है कि यासिर शादी करना चाहता है जैनब से, ये बात जानने के बावजूद कि वो तलाक याफ्ता है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जैनब ने जानबूझकर तलाक ली है। ओफो, सच्ची बात तो सबको कड़वी लगती है। अच्छा भाई प्लीज, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तुम जाकर जैनब को बुलाओ। बुलाया तो है, पता नहीं कहाँ रह गई। भाई आपने बुलवाया? हाँ जैनब, आओ बैठो, मुझे यासिर के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी है। यासिर के बारे में बात करनी है? हाँ हाँ, खुशी की बात है। उम्मीद बेटा, जाए आप बाहर खेलें। जी मामू। देखो जैनब, किस्मत इंसान के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती, यकीनन ये तुम्हारी किसी नेकी का सिला होगा जो यासिर जैसे अच्छे इंसान ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। जी आज मुझसे उसने तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में बात की है, वो तुम्हारी इद्दत के पूरे होने का इंतजार करेगा और उसकी अम्मी भी आएंगी तुमसे बाकायदा तौर पर मिलने के लिए। मगर भाई मैं शादी नहीं करना चाहती। मगर कब तक? एक दिन उम्मीद के हाथ भी पीले हो जाएंगे, फिर क्या करोगी? भाई जहां इतनी जिंदगी गुजरी है वहां बाकी की भी गुजर जाएगी, और मेरी जिंदगी में जीने की किरण मेरी उम्मीद से ही है, और मैं सिर्फ अपनी उम्मीद के लिए जीना चाहती हूँ। ये तुम्हारा गलत फैसला है, बल्कि मैं इसे जल्दबाजी का फैसला कहूंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए आज की पूरी रात है, अच्छी तरह सोच लो।
और वैसे भी तुम्हारी इद्दत पूरी होने में थोड़े से दिन बाकी हैं, तो फिर देखते हैं। मगर भाई, अगर मगर कुछ नहीं, अच्छी तरह सोचो इस बारे में, ठीक है? जाओ। जी भाई। जैनब, मेरा दिल कहता है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, इसे ठुकराना मत। अगर इसने इनकार कर दिया तो? तू गलत करेगी, लेकिन हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। उसका हक है, वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। वाह ज़ैनब वाह, क्या हाथ मारा है, अपनी बेबसी और मासूमियत का क्या ढोंग रचाया है। पता नहीं क्या जवाब होगा ज़ैनब का अगर उसने इनकार कर दिया तो, मगर उसके इनकार करने का कोई जवाब भी तो नजर नहीं आता। मैं और दूसरी शादी सलीम से मैं इसलिए तो अलग नहीं हुई थी कि मैं अपनी नई दुनिया बसा लूं और अपनी उम्मीद को भटकने के लिए छोड़ दूं। क्या मम्मी दूसरी शादी कर लेंगे? शैला ठीक कह रही थी कि यासिर अंकल मेरे अब्बू की जगह लेना चाह रहे हैं। यासिर ने ऐसी बात क्यों की? पता नहीं भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या मुझे यासिर से बात करनी चाहिए? नहीं, इस वक्त मुनासिब नहीं है। मगर अम्मी ने मामू को हाँ तो नहीं की, और ना मैं उन्हें हाँ करने दूंगी। उन्हें यासिर अंकल भी मुझे शैला के अब्बू की तरह मारेंगे। मम्मी जल्दी से नाश्ता खत्म करें। मैं देखती हूँ। ज़ैनब, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा नाम अतिया है और आपकी बेटी की क्लास में मेरी बेटी भी पढ़ती है। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी आइए, अंदर आइए। आए, अंदर आए। जी बहन, कहिए क्या बात है? देखिए भाई साहब, आपकी बेटी की वजह से मेरी बेटी की बहुत पिटाई हुई है उसके वालिद से। जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी की वजह से आपके शौहर ने अपनी बेटी को क्यों मारा? क्योंकि आपकी बेटी ने मेरी बेटी के पास 600 रुपए रखवाए थे और वो इसकी क्लास टीचर ने इसकी बैग में से निकाल लिए और इसके वालिद को कम्प्लेन कर दी। जब इनके वालिद ने इनकी पिटाई की तो इसने बताया कि आपकी बेटी ने 2 दिन पहले मेरी बेटी के पास पैसे रखवाए थे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ बहन, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जी भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ, बच्चे गलती करते हैं। देखिए, मैंने तो अपनी बेटी को समझा दिया, बाकी आप अपनी बेटी को समझाएं कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। आज उसने घर से चोरी की है, कल को वो ना जाने बाहर क्या करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण, इधर आओ, इतना फौरन छोड़े ना।
बच्ची है। ये बात तुमने उम्मीद के बारे में तो नहीं सोची थी? इसे तो सारा दिन भूखा रखा था तुमने। भाई रहने दें, बच्ची है, हम समझाएंगे इसे। ज़ैनब, बात महसूस करने की है। अगर कभी भी नायला ने उम्मीद को अपनी बेटी की तरह समझा होता तो इसका बर्ताव मुख्तलिफ होता। इसने ठीक ही कहा है नायला, हाथ और दिल में बड़ा फर्क होता है। उम्मीद तुम्हारे लिए हाथ तो बन सकती है, दिल कभी नहीं। क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई? बिल्कुल शर्म नहीं आई। क्या किया ये? भाभी छोड़ दे, इसे छोड़ दे, बच्ची है, बच्ची है। बस बस किरण, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं उस बदसात औरत को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें मुझसे जुदा किया है। मैं तुमसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहता। आज उम्मीद के लिए मेरा दिल बहुत उदास है, मैं परेशान हूं उसके लिए। प्लीज मेरी उससे बात करा दो। अगर उम्मीद ना तुमसे बात करना चाहती है और ना ही किसी किस्म का कोई रिश्ता रखना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, उम्मीद मेरी बेटी है। देखो, तुम दोनों मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। बाज आ जाओ वरना। वरना? वरना क्या? बहुत देखे तेरे जैसे। और वैसे भी मैं अपनी बहन की बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, ताकि उम्मीद की तेरे जैसे निकम्मे बाप से जान छूट जाए। भले कर ले तू अपनी बहन की शादी, पर याद रखना, मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पे किसी अजनबी के साथ नहीं रहने दूंगा। मेरे सर से बोझ उतर गया, दो नफल अदा करूंगी। अम्मी आप खुश हैं इस बात से? बात ही खुशी की उम्मीद। मगर अम्मी आपने वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगी, और आप इस बात से खुश हैं? क्या आप क्या कह रही हैं उम्मीद? जानी मैं तो इस वजह से खुश हूँ कि आपके सर से चोरी का दाग धुल गया। आपसे ये किसने कहा जानी? मुझे लगा कि आप यासर अंकल से दूसरी शादी करेंगी। किसने कहा आपसे? आपको ऐसा क्यों लगा? यासर अंकल ने मामू साहब का रिश्ता मांगा था। और आपको लगा आपकी अम्मी दूसरी शादी कर लेंगी? नहीं अम्मी, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगी, मगर मुझे इस बात से डर लग रहा था। मेरी जान, आपकी अम्मी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, आप हमेशा उनकी ये बात याद रखो। और दूसरी बात ये कि बड़ों की बातें छुप छुप कर नहीं सुनते। सॉरी अम्मी। अच्छा चलो आप टेबल पे जाओ, मैं आ रही हूँ। जी अम्मी। ये क्या हुआ शैला? आपके कैसे चोट लगी बेटा? वो मिस, मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी।
ओहो, चलो बेटा, खैर अपना ख्याल रखना। शैला, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? हाँ, कल रात जब मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी तो वो गलती से गिर गया था और मैंने उसे नहीं गिराया था और अब्बू ने मुझे मारना शुरू कर दिया। जब अब्बू ने मुझे धक्का दिया तो मेरा सर टेबल से जाके लग गया था। शैला, प्लीज तुम मत रो। अल्लाह करे तुम्हारे सौतेले बाबा के हाथ पांव टूट जाए। अल्लाह करे। क्या हुआ? शैला, मैंने तुम्हें बताया था ना वकील अंकल के बारे में? हाँ, जो तुम्हारे अब्बू बनना चाहते हैं। हाँ, वो सच में मेरे बाबा बनना चाहते हैं। उन्होंने मेरी अम्मी का रिश्ता मांगा है। अम्मी, सौतेला बाप बहुत गंदा होता है। अगर तुम्हारी अम्मी ने दूसरी शादी की तो तुम अपने अब्बू के पास चली जाना। मगर मेरी अम्मी दूसरी शादी नहीं करेंगी, उन्होंने मुझसे वादा किया है। मेरी अम्मी ने मुझसे वादा किया था तो वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, मगर जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे डांटती हैं, लेकिन मुझे वो फिर भी अच्छी लगती हैं। हाँ अम्मी, उसकी तो बैठे बिठाए लॉटरी खुल गई, बहुत पैसे वाला है। अभी कहाँ, अभी तो परवेज ने कहा है सोच लो। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो हो गई, ऐसे थोड़ी ना तलाक याफ्ता का रिश्ता मांग लेते, और वो भी एक बच्ची की माँ का। क्या तोड़ दिया? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना महंगा खरीद के लाई थी मैं, तुम्हारा तो काम में ध्यान ही नहीं लगता है, दिल और दिमाग पता नहीं कहाँ लगा रहता है तुम्हारा। भाभी, आपने ये कैसे सोच लिया? अरे तेवर तो देखो, रिश्ते यूं ही आसमान से नहीं टपक जाते। सब जानती हूँ किस तरह वो बहाने बहाने से यहाँ आ रहा है। मैं आपको सफाई नहीं दूंगी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। आपने जो सोचना आप सोचती रहिए। सफाई मांग कौन रहा है मैडम? अयला तोड़ के अंदर चली गई, अब कौन साफ करेगा इसको? जैनब कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कॉल किया। यकीन कर लीजिए, मैं ही बोल रही हूँ। मैं आपको फोन नहीं करती लेकिन मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। यासिर साहब, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह मुझे रुसवा करें कि लोग मेरे करतार पे उंगलियां उठाएं, कि मेरे और आपके बीच में सच में कुछ गलत चल रहा है। लोगों की तो आदत है बातें बनाने की, उनके पास और काम ही क्या, लेकिन उनकी वजह से हम अपनी जिंदगियां तो खराब नहीं कर सकते ना। उम्मीद का सोचो, तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। आपको मेरी और उम्मीद की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मुझे मेरी इज्जत भी उतनी ही प्यारी है। मुझे आपका रिश्ता कबूल नहीं है। जल्दबाजी से काम मत लो प्लीज। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। आपको मेरे साथ हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है यासिर साहब। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ज़ैनब, तुम सुन रही हो ना? जी। मैंने हमेशा तुम्हारी कदर और इज्जत की है, और मेरा मकसद कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, और मेरी वजह से अगर तुम्हारी कोई दिल आजारी हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए वक्ती नहीं है, ये मैंने महसूस किया है। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। आपका इंतजार बहुत तवील है यासिर। कोई वजह तो होगी इनकार की। अम्मी, वो अपनी बेटी की वजह से शादी नहीं करना चाहते, और शायद मेरे रिश्ता भेजने से उसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
ये तो कोई खास वजह नहीं बेटा, जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी फिर जैनब क्या करेगी? ये तो आप सोच रही हैं, उसने भी तो सोच समझ कर ही इतना बड़ा फैसला किया होगा। तो फिर मैं बात करूं उससे? आप क्या बात करेंगे? हाँ, बात करने के लिए कुछ बच्चा भी नहीं है। नहीं बेटा, मायूस ना हो, क्या पता जो खदशात उसके दिल में है मैं उससे मिलकर दूर कर सकूं। और जो कुछ जैनब के साथ हुआ है ना, ऐसी लड़कियों में एतमाद की कमी हो जाती है। मुझसे मिलकर हो सकता है उसका एतमाद बहाल हो जाए और वो मान जाए। नहीं अम्मी, वो एक बहुत समझदार लड़की है और उसने सोच समझ के इतना बड़ा फैसला किया होगा। चले खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं खाना लगवाती हूँ। इंसान कभी कभी कितना बेबस पड़ जाता है, हर चीज होते हुए भी लगता है हमारे पास कुछ नहीं। जिंदगी में ये फीलिंग मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। और वैसे भी मैं अपनी बहन की बहुत जल्द शादी करने वाला हूं, ताकि उम्मीद की तेरे जैसे निकम्मे बाप से जान छूट जाए। तुम जैसे निकम्मे और कामचोर के साथ यही कुछ होना चाहिए था। आज तक जो कुछ भी हुआ है या फिर होने जा रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है ये। मैंने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी है ये जैनब और उसके भाई परवेश की वजह से हुआ। अच्छा बहाना है हकीकत से मुंह छुपाने का, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम अपना जुर्म नहीं छुपा पाओगे। दफा हो जाओ, दफा दो यहां से, निकल जाओ, जाओ। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, चले जाओ। मैं भी देखता हूँ तू दूसरी शादी कैसे करती है। मैं ही होने दूंगा, मैं ही होने दूंगा तेरी दूसरी शादी। कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत वक्त ही नहीं है, ये मैंने महसूस किया। भाई आप क्या सोच रही थी? कुछ नहीं भाई, बस उम्मीद के बारे में सोच रही थी। सोच रही थी कि उम्मीद को डॉक्टर बनाऊंगी, अगर अल्लाह ने चाहा और हालात ने इजाज़त दी तो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम बहुत हौसले वाली हो ज़ैनब, मुझे मान है तुम पर। अच्छी बताओ कि तुम्हारी इद्दत कब खत्म हो रही है? कल भाई। चलो अच्छा है, कल से तुम शरई तौर पर भी आजाद हो जाओगी। उसके बाद मेरी बहन एक नई शुरुआत करेगी अपनी जिंदगी की। मेरी जिंदगी तो उम्मीद से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। मैं सोच रही थी कि कल से मैं ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दूं, ताकि उम्मीद के मेडिकल के लिए पैसे जमा कर लूं। कल से शुरू करूंगी तो इंशाल्लाह तब तक तो पैसे जमा हो ही जाएंगे। ज़ैनब जी। भाई फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में भाई? यासिर के बारे में। इस बारे में क्या सोचना है भाई? क्यों ज़ैनब? भाई मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप हैं ना मेरे पास। मगर कब तक ज़ैनब? देखो मैं आज हूँ कल नहीं, और मैं ये फिक्र लेकर नहीं मरना चाहता कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। अल्लाह ना करे भाई आपको मेरी उम्र भी लग जाए।
देखो यासिर एक अच्छा इंसान है, और फिर ये तो सोचो कि उसने ये फैसला खुद किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा और उम्मीद का बहुत ख्याल रखे। ज़ैनब, जिंदगी में सच्ची और बेलौस मोहब्बत करने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये लो, लगा लो जो देखना है। नहीं तुम देख लो किरण, अब तुम मुझसे लड़ती नहीं हो। मैं पहले भी नहीं लड़ती थी, तुम ही लड़ाई शुरू करती थी। वैसे तुम काफी बदल गई हो। पता है पप्पू बहुत अच्छी हैं और वो मेरा ख्याल भी रखती हैं। वो कहते हैं कि मैं भी उनकी बेटी हूँ। अच्छा, तो तुम अम्मी की वजह से मुझसे नहीं लड़ती हो। हाँ ये बात तो है। और क्या किरण? बाबा कहते हैं कि हम दोनों बहन हैं और बहनें आपस में नहीं लड़ती हैं। चलो आज से हम दोनों दोस्ती करेंगे। मुझसे करोगी ना पक्की वाली दोस्ती? ठीक है, चलो कार्टून देखते हैं। चलो। देखो खुशकिस्मती इंसान के दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है, बार बार नहीं। तुम उम्मीद का सोचो। भाई उसी का तो सोच रही हूँ। आज यासिर मुझे अपना लेते और शायद मेरी वजह से उम्मीद को भी अपना ले, लेकिन कल को जब उनकी अपनी औलाद होगी तो क्या वो उम्मीद और अपने बच्चों में फर्क नहीं करेंगे? वो तो क्या कोई और भी हो तो ये बात जरूर होगी, और उस वक्त मैं अपनी उम्मीद को टूटता हुआ नहीं देख सकती। ज़ैनब, तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसा सोचती हो। देखो औलाद में फर्क और प्यार डालना माँ सिखाती है। कभी सुना कि बाप की परवरिश है? नहीं ना, क्योंकि औलाद की परवरिश माँ करती है, बाप नहीं। बाप का काम तो सिर्फ कमाकर घर लाना होता है। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और हाँ कर दो बस। लेकिन भाई मैं तो यासिर को इस रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी। क्या ये क्या किया तुमने ज़ैनब? अच्छा खैर, यासिर से तो मैं खुद बात कर लूँ, बस तुम हाँ कर दो।